नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव। बहुत से ज्योतिषी इस बात को लगातार कह रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से कि नीच का सूर्य बनाएगा राजयोग। भाई मैं भी ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष करता हूँ, लेकिन आपसे क्षमा चाहता हूँ। जो ग्रह नीच का है, अनकम्फर्ट सिचुएशन में है, ऊपर से राहु की दृष्टि उसके ऊपर है, किस राशि का राजयोग बनाएगा? विचार नितांत आवश्यक है। फलित ज्योतिष का समस्त विश्व में अपना स्थान है, अपनी जगह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ग्रह नीच का है, अति बाल्य अति वृद्ध अवस्था में है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, वह राजयोग बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 17 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक जो सूर्य नीच राशि में रहेंगे, तुला राशि में, सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव जाएगा, आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि से सातवें स्थान में नीच के सूर्य रहेंगे, ऊपर से ग्रहण योग राहु से दृष्ट केतु साथ में नीम करेला। तो मेष राशि वाले जात को का गृहस्थ जीवन इस समय में डिस्टर्ब रहेगा, रह सकता है। अगर सूर्य की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया नहीं है तो आपके आपकी पत्नी पर, आपकी प्रेमिका पर या आपके पर्सनल लाइफ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। डेट है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर, बढ़िया टाइम नहीं है। वृषभ से छठे भाव में रहेंगे, इसमें ना नफा ना नुकसान। छठे भाव, छठा सूर्य अच्छा रिजल्ट करता है, नीच का है तो बहुत अच्छी उम्मीद भी नहीं कर सकते यहाँ पर। कुल मिलाकर के वृषभ वालों को तो पलस ही रहेगा। अब मिथुन से पांचवें स्थान में रहेंगे, बुद्धि स्थान में, निश्चित रूप से आपकी मंत्र साधना प्रभावित होगी, आपकी मंत्र साधना पर नेगेटिव इफेक्ट जाएंगे। निश्चित रूप से संतान पक्ष से आपको बहुत ही गलत एक तरह से रिजल्ट रहेंगे। संतान का आपकी व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, आपके मित्रों का व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, धोखेबाज लोग ज़्यादा आपके पास आएंगे। इस टाइम पीरियड में किसी दोस्त पर बहुत ज़्यादा भरोसा न करें। कर्क से चौथे स्थान में रहेंगे, आपके भी भूमि भवन वाहन संबंधित समस्त कार्यों को आप जो है भाई इस एक महीने में बंद ही रखें, लगभग उस पर ब्रेक लगा करके रखें। और व्यक्तिगत सुख शांति को सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तिगत शांति भंग होगी। उपाय वीडियो के लास्ट में सभी राशियों के लिए। सिंह से तृतीय भाव में रहेंगे, तृतीय सूर्य अच्छे होते हैं सिंह कन्या तुला, तो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन फिर भी रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। भाई बहनों से टेंशन तनाव का माहौल भी साथ ही साथ बनेगा। कन्या राशि वालों को आकस्मिक धन की हानि, जाड़ दांत में तेज दर्द, सिर में दर्द की स्थितियां बनेगी और गले से ऊपर कोई बीमारी आपके है तो आपको बहुत सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। तुला वालों को अचानक से बहुत तेज फीवर, बुखार की स्थिति बन सकती है, शरीर में ताप महसूस कर सकते हैं। आपकी राशि में सूर्य रहेंगे, ऊपर से पाप ग्रह पहले से ही वहाँ साथ में है, आपकी राशि का स्वामी शुक्र जो है वह अस्त अवस्थाओं में है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपको तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही रखना होगा। उपाय सबके वीडियो के लास्ट में। वृश्चिक से 12वें स्थान में रहेंगे, अपव्यय, बिना मतलब के खर्चे, बिना मतलब की भाग दौड़ से आपको गुजरना ही होगा। और धनु से 11वें स्थान में रहेंगे तो आपको धन लाभ की स्थिति रहेगी, चिल्ला चोट के साथ, टेंशन तनाव के साथ, हाय हुल्ला तो होगी जहाँ आपका पैसा फंसा हुआ है, लेकिन आ जाएगा। मकर से 10वें स्थान में रहेंगे तो पिता का ऐसा योग और मान सम्मान में कहीं ना कहीं हानि का योग तो बनता है। कुंभ से 9वें स्थान में बनते बनते कार्यों को अचानक से रोक देंगे। 9वां स्थान भाग्य स्थान होता है और भाग्य स्थान में नीच का ग्रह बहुत गलत रिजल्ट देता है, सारे बनते बनते काम को बिगाड़ता है। आपको तो इस महीने में विशेष उपाय करना चाहिए, नहीं तो जो इस महीने में आए हुए दुष्परिणाम है वो लंबे समय तक दुर्गति करेंगे आपकी। मीन राशि से अष्टम भाव में मीन राशि वाले जातकों को आकस्मिक दुर्घटना से बचना ही होगा।
उपाय के लिए शुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण 3, 5 या 7 माला अवश्य करें, सूर्य को अर्घ दें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। रविवार के दिन मॉर्निंग टाइम में मीठा दलिया बनाकर पक्षियों को खिलाएं और तांबे की वस्तु या लाल वस्त्र का रविवार के दिन दान करें, गाय को गुड़ खिलाएं। इसमें सूर्य का जो उपाय है गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण सबसे बेहतर उपाय है। मैं कामना करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। नमस्कार।